आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है नैतिकता। नैतिकता को अंग्रेजी में कहते हैं मॉरेलिटी। समाज के द्वारा बनाए हुए कुछ ऐसे नियम जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो और हर व्यक्ति का निभाव हो जावे, हर व्यक्ति के साथ में न्याय हो, किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय न हो, स्वच्छंदता न हो, आजादी न हो, और सभी जो है अनुशासन में रह करके और उन नियमों का पालन करके और सभी सुख से शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन कर सकते हैं, ये नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता के जो नियम है वो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और भी कई एजेंसियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के मर्यादा में रहना एक सुव्यवस्थित जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में जीता है। बिना समाज के व्यक्ति एक मिनट भी नहीं जी सकता। अगर व्यक्ति तो हिमालय की पहाड़ियों में भी चला जाए तो उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उन सब चीज की आवश्यकता के लिए उसको समाज की आवश्यकता होती है, उसको दूसरे साथी की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, उसको हम समाज कहते हैं। केवल एक मात्रा का अंतर है। हमारे राजस्थान के अंदर गुर्जरों और अन्य विदेशी जो पक्षी जो है वो सर्दी के दिनों के अंदर अभ्यारण के अंदर यहाँ आते हैं और दो चार महीने यहीं व्यतीत करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि गुर्जरों वगैरह ये जो आती है वो सब जब विदेश से आती है एक लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के और 100-200 की तादाद के अंदर जो है आकाश के अंदर भ्रमण करके आती है। ये क्या है? ये अनुशासन है, ये उनका समाज है, ये उनका अनुशासन, ये उनकी नैतिकता है। उस अनुशासन के कारण वो सब सुरक्षित रहते हैं। व्यक्ति जब अनुशासन तोड़ता है तब असुरक्षित होता है और नैतिकता की जो है व्यक्ति दायरे में रहता है तो हमेशा ही सुखी रहता है। आप कोई काम करें या ना करें, धार्मिक बने या ना बने, लेकिन अगर नैतिकता की देवी को आप अपने कार्य प्रणाली के अंदर, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका स्टूडियो हो, चाहे आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहां पर आप नैतिकता की देवी स्थापित कर दें तो आपको कोई कष्ट नहीं आएगा और आप जो है सबके लिए अनुकरणीय व्यक्ति बन जाएंगे, सभी आप में विश्वास करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने नैतिकता की देवी को जो है अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान में स्थापित किया। यानी उसने ये लिख दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस ऑनेस्टी के आधार पर चाहे बच्चा आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे पढ़ा लिखा आए, चाहे अनपढ़ आए, चाहे कोई भी किसी तरह का व्यक्ति आए, उसके जो सामान जो बेचता है हर सामान के ऊपर एक फिक्स रेट लिखी रहती है और वह फिक्स रेट सबके लिए मान्य होती है। नो बार्गेन, न कम करना, न ज्यादा करना, न किसी के लिए कम, न किसी के ज्यादा, और वो क्वालिटी के अनुरूप होती है। तो वह व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, सारी उस दुकान के अंदर भीड़ लगने लग जाती है, क्योंकि वो नैतिकता की राह पर चलता है। वह जो कुछ देता है वह सही सही माल देता है, सही रेट देता है, सही व्यवहार करता है, इसीलिए वो प्रतिष्ठित हो जाता है। जो नैतिकता के दायरे में रहता है, जो नैतिकता का पालन करता है, वह व्यक्ति बहुत ही अनुकरणीय, स्तुत्य और वंदनीय हो जाता है। नैतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के दो पहलू है, वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम सिक्के का दो तरफ के पहलू देखें तो एक तरफ नैतिकता है और धार्मिकता है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह अवश्य ही नैतिक होगा और जो व्यक्ति नैतिक है अवश्य ही धार्मिक होता है। यानी धार्मिक बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है नैतिकता होनी चाहिए। अब देखिए कि नैतिकता किस तरीके से समाज में लागू होती है। नैतिकता समाज में लागू होने के लिए ये देखा जाता है कि सभी का निभाव हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो अभावग्रस्त हो, सभी उसके अंदर अपना जीवन आराम से यापन कर सके, उन नियमों को नैतिकता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये देखें कि कोई भी जो है, चाहे अस्पताल है, हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी हॉस्पिटल बनाए हैं उसमें बड़ी नैतिकता का काम होता है। उसके अंदर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चला जाए, गरीब चला जाए, धनाढ्य चला जाए, वीआईपी चला जाए और कोई भी इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति चला जाए, सबके साथ के अंदर निःशुल्क व्यवहार होता है,
निशुल्क लिया जाता है, तो ये एक नैतिकता का क्रम है। देखिए, नैतिकता वाला जो व्यक्ति होगा कभी भी वो झूठ कपट नहीं करेगा, क्योंकि उसके सिद्धांत के अंदर नहीं होता है। नैतिकता का पालन करने से वो नियमबद्ध हो जाता है, वो अनुशासित हो जाता है, और वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे किसी का शोषण हो, समाज में किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचे और किसी को दुख पहुंचे। इसीलिए नैतिकता एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धारण कर ले तो शने-शने वो अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करने लग जाता है और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। हम हमारे महापुरुषों की, मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है कि भारत रत्नों के भारत को अवदान, उन सब भारत रत्नों के अंदर देखा जाए तो 46 भारत रत्न अभी तक दिए गए हैं। उसमें से सभी के सभी जो है सामान्य घरों से थे, उनकी प्रारंभ की स्थिति बहुत ही अभाव की स्थिति थी, यानी वो धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा।